लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित रानी की सराय की सड़कों की जब पड़ताल की गई तो स्थानीय लोगों ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। स्थानीयों का कहना है कि सड़कों पर गड्ढे होने की वजह से बड़ी गाड़ियां फंस जाती हैं। प्रशासन से कई बार शिकायत किए जाने के बाद भी कोई सुधार देखने को नहीं मिला है। पिछले 10 साल से सड़क की यही हाल है। बारिश की वजह से सड़क की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। के न्यूज टीम ने जब आजमगढ़ जिले के कमिश्नर से बात की तो उन्होंने कहा है कि रानी की सराय में सड़कों पर हुए गड्ढों के मामले में पीडब्ल्यूडी के लापरवाह अधिकारियों से शिकायत कर दी गई है। इसके साथ ही एनएचआई के अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया गया है। जहां जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई वहां पर ड्रेनेज कराकर इन गड्ढों को पाटने का काम करें। यहाँ पीडब्ल्यूडी के कार्यों के संबंध में काफ़ी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और वहाँ पर भी ये रानी की सराय की तरफ के रोड के बारे में काफ़ी लोगों ने शिकायतें की थी। इस संबंध में भी चीफ इंजीनियर को निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी वहाँ पर गड्ढे हैं या जो भी वहाँ पर कमियाँ हैं उसको तत्काल उसका दूर कराएँ। और जैसे एक जगह बताया गया कि वहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, इस कारण सड़कों पर गड्ढे हो जा रहे हैं, एनएचआई के अधिकारी द्वारा बताया गया, तो उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था करा कर पानी निकलने की व्यवस्था कराएं और गड्ढों को तत्काल पूर्ण कराएं। प्रदेश सरकार को जहाँ 3 साल कार्यकाल हो गया वहीं उनके एजेंडे में रहा कि प्रदेश की जो भी जिले हैं तमाम सड़कों को दुरुस्त कर लिया जाएगा, चाहे वो गड्ढा युक्त है उनके गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। मैं मौजूद हूँ आजमगढ़ के रानी के सराय में। आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो सड़कें हैं किस तरीके किस हालात में कैसे गाड़ियां चलेंगे, दुर्घटना और मौत को दावत दे रही है। जहाँ पानी के निकासी की व्यवस्था नहीं की गई है, गाड़ियां कहीं कहीं यहाँ खराब है, कई बार पलटी गई हैं। और यहाँ पे स्थानीय कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पशु चिकित्सालय है, यहाँ पे भी किस तरीके से लोगों का आना जाना है। हम जानेंगे कि यहाँ के लोगों की क्या कहना होगा कि किस तरीके का सामना करना पड़ता है लोगों को जो सड़कों की हालात यहाँ। लगभग भैया कई सालों से लोगों की आदत बन गई है सामना करना। जब सरकार और प्रशासन आंखें बंद कर ले तो आम जनता मरने के लिए मजबूर हो गई है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कोई तालाब नहीं है, ये सड़कें हैं, एनएचआई की सड़कें हैं, जिन सड़कों पे सरकार काम करवा रही है। लेकिन कार्य अवधि पूरा होने के बाद भी अभी तक इन सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। लगभग 10 साल से लोग गड्ढे का सामना करते हैं, जहाँ होता वहीं पे ट्रकें पलट जाती हैं, लोग दबते दबते बसते हैं, घरों के अंदर धूल जम जाती है, घरों के बाहर कचरा लगा है, घरों के सामने निकलना दुभर है। कई महिलाएं जो अभी बीचों बीच से निकल रही हैं जिनको चलना मुश्किल है इस रोडों पे। गत 4-5 वर्षों से यहाँ हर साल बरसात के मौसम में जो है सारी सड़कें जो है गड्ढा युक्त हो जाती है, बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, उसमें ईंट और मिट्टी डाल के पाटा जाता है, जिससे यहाँ के आम जनमानस में जो है तरह तरह की सांस लेने में परेशानी, दमा की बीमारी, पूरी जनता त्रस्त होती है। बार बार डीएम के यहाँ एप्लीकेशन देती है, कोई कार्रवाई नहीं होती उससे। तो आप देख सकते हैं यहाँ के लोग जो स्थानीय हैं किस तरीके की यहाँ दुर्घटनाओं और मौत को दावत दे रही है। हालांकि के न्यूज ने जब यहाँ के कमिश्नर से बात की तो उन्होंने जो पीडब्ल्यू के अधिकारियों को फटकार लगाई कि उनको निर्देश दिया गया कि सड़कों को जल्दी से जल्दी दुरुस्त कर लिया जाए। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इन सड़कों को कब तक ठीक किया जाता है। आजमगढ़ से वेदेंद्र प्रताप शर्मा, के न्यूज इंडिया।